प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव के नेतृत्व में देश में पेट्रोल डीजल और खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन ने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल व खाद्य पदार्थों की महंगाई से जनता त्रस्त है। कोरोना काल में दो दिन की बंदी होने से जनता के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए सरकार देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए और घरेलू सामान सरसों के तेल, रिफाइंड दाल का दाम तथा पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को कम करे। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव, जिला सचिव बृजनाथ मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन ने कहा, भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय बोला, महोदय सभी ने निवेदन है कि देश और प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने देश व समाज हित में होगा। वर्तमान समय में घरेलू सामानों के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड दाल का दाम आसमान छू रहा है, डीजल और पेट्रोल बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है। तहव्वर हुसैन, महानगर अध्यक्ष, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया। आज बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, शहर के अंदर गलियों और मोहल्लों के अंदर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, नगर निगम जल भराव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर और जिला के हमारे क्रांतिकारी साथी जो भी हैं वो आज महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं।